मॉर्निंग एवरीवन। तो आज फिर आपको देखो मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में सूर्य देवता जी के दर्शन करा रही हूँ। रियली मैं जब भी मैं उठती हूँ मेरे बेडरूम में ही लाइट आती है सन की, मेरी किचन में आती है, तो मेरा मन बड़ा खुश होता है, मेरे को एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। उठकर ना जैसे ऐसा लगता है कि बस भाग भाग के हर एक काम करो, दिन की शुरुआत हो गई है, अंदर से बहुत पीसफुल रहता है मेरा मन, कोई हलचल नहीं रहती है। तो ये चीज़ें मुझे देखने में, नेचुरल ब्यूटी को देखने में मुझे बहुत मज़ा आता है। उसके बाद थोड़ी देर में मैं एक वॉक पे निकली, मैंने देखा कि मेरे घर के थोड़े ही दूरी पर ये मेडिटेशन का एक सेंटर है जहाँ पर फ्री में मेडिटेशन करवाते हैं और सब टाइमिंग वगैरह कहाँ पर ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो पर मेरे को अच्छा लगा कि कभी कभार आपका मन विचलित होता है, लाइक आपकी लाइफ में छुटपुट जो भी प्रॉब्लम्स चलती हैं तो आप मतलब जगह ढूंढते हो कई बार कि आपके नियर बाय कोई मेडिटेशन सेंटर है। तो अगर आपको ज़रूरत नहीं है, किसी और को है, तो आप बता सकते हैं। घर वापस आने के बाद 2 दिन से मेरे घर में मेरे ब्रदर इन लॉ के बच्चे और मेरे सिस्टर इन लॉ के बच्चे आए हुए थे, तो वो वापस जा रहे थे, मेरी चाची सास भी वापस जा रही थी, बट मेरी मम्मी को हमने रोक लिया था। तो मेरी मम्मी ना थोड़ी सी उदास हो रही थी, उदास होने पे उनको लगा चलो ये लोग जा रहे हैं तो क्यों ना मैं होली के गाने कुछ गाऊँ। तो उन्होंने डाइनिंग टेबल पर बैठ के क्या गाने गाए हैं होली के, तो आप भी सुनना चाहेंगे तो सुनिए। चलिए गुलाल भर से रंग भर से ओ रंग भर से आ रंग भर से अगले बरस माखी पायल चढ़ा पायल पे उसके रतन चढ़ा अगले बरस माखी बिछवे चढ़ाऊ बिछुओ पे बाकी रतन से रंग भर से ओह रंग भर से मैं बिछ रंग भर से भर से घर के सामने ना ये बहुत बड़ा पेड़ है जिसके ऊपर जो है ना प्लाश के फूल हैं जिससे भी बोलते हैं कि होली के कलर्स बनते हैं। तो ये मेरी मदर इन लोगों को इतना अच्छा पेड़ लगाना तो बहुत अच्छा, तो कहते हैं कि इसके जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के इस पे फूल आते हैं। तो अभी उदास बैठी हुई हैं, वो सब लोग चले गए हैं, तो मैं बातें कर रही हूँ उनके साथ कि चलो उनका मन लगा रहे। पर वो ये जैसे होता है ना कि घर एकदम भरा हुआ होता है, सब बच्चे होते हैं आपस में, एक ही एज के बच्चे हैं तो सारे लगे हुए हैं मस्ती कर रहे हैं, तो थोड़ा इनका दिल लगा हुआ था। अब जैसे ये परिवार में ही रहे हैं तो जैसे अकेले रहते तो इनको लगता है कि मेरा पूरा परिवार हो मेरे साथ। बस मैं उन्हें समझा रही थी कोई बात नहीं मम्मी जी, आपको जल्दी ही मैं छोड़ आऊँगी, तो बस उनको यही समझा रही थी। तो चलिए आज बस इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।